हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मीन राशि के लिए मैं 19 अगस्त से लेकर 25 अगस्त तक का टैरट कार्ड रीडिंग लाई हूँ। दोस्तों ये टैरट कार्ड रीडिंग यूनिवर्सल है। दैट मीन्स यदि आपके नाम से मीन राशि है या आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से आपकी मीन राशि है तो इस वीडियो को आपको मिस नहीं करना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए, क्योंकि मैं अंत तक कोई ना कोई टिप देती ही रहती हूँ। एक काम और कीजिए, आपके मीन राशि के दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं इस रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ। बस एक छोटा सा काम आपको और करना है, वो ये है कि यूनिवर्स को एक थैंक्स लिख दीजिए, क्योंकि इस टैरट कार्ड रीडिंग में यूनिवर्स ही हमारी हेल्प करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज देयर फॉर यू मीन राशि। आपका फर्स्ट कार्ड निकलता है फ्लावर्स। मीन राशि, जो आपका पास्ट टाइम गुजर चुका है वो काफ़ी खुशनुमा गुजरा है, आप बहुत खुश रहे हैं। प्रेजेंट में आपको एक ही सलाह दी जा रही है, दैट डोंट फॉरगेट द मास्टर, द गॉड। आप जिनकी भी प्रे करते हैं, जिनको भी प्रे करते हैं, उनको मत भूलिए। उनको प्रे करने में कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं बरतनी है। पास्ट तो आपका बहुत अच्छा निकल गया, जो भी पिछला वीक, पिछला महीना, बहुत आराम से निकल गया है। मे बी पॉसिबल आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया या आपके फ्रेंड्स ने आपको सपोर्ट किया, दे गेव यू लव, अट्रैक्शन, जो आप चाहते थे, यू गॉट एवरीथिंग फ्रॉम योर फैमिली और योर फ्रेंड्स अपने पास्ट टाइम में। तो आपका पास्ट टाइम बहुत ही अच्छा गुजर गया है। बट अब जो इन फ्यूचर आने वाला है आपके सामने, जो कुछ भी आने वाला है, उसके लिए आपको सबसे पहले तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको ईश्वर की तरफ रुझान करना होगा, ईश्वर का ध्यान करना होगा। आप जिस भगवान को भी प्रे करते हैं उनकी तरफ अपने आप को थोड़ा सा झुकाइए, मेडिटेशन कीजिए। जो भी आपको जो भी फ्यूचर में काम आपको करना है उसके लिए मेडिटेशन कीजिए। आपके फ्यूचर के लिए आपको एक बात और कही जा रही है, वो ये है कि ऐसा लग रहा है फ्यूचर में जाकर, मतलब आने वाले समय में या इस वीक में, जो 19th to 25th अगस्त का वीक है, आप थोड़ी कंजूसी करने वाले हैं। आपको कंजूसी तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, त्यौहार भी है इस समय, क्योंकि यदि आप कंजूसी करते हैं तो आपकी रेपुटेशन खराब हो सकती है। ऑफ कोर्स आई नो अगस्त में बहुत सारे त्यौहार आए हैं और नेक्स्ट वीक में त्यौहार है और उसके नेक्स्ट वीक में फिर से त्यौहार है, तो हमें अपने फाइनेंसेस को तो कंट्रोल में करके चलना ही होगा। बट यू कैन मैनेज योर फाइनेंसेस। जो जगह ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ कम कीजिए, और जिस जगह आपको ज़्यादा खर्चा करना है उसको मैनेज करके वहाँ पर यूज़ कीजिए। देखते हैं कि आप किस प्रकार से इस वीक को स्पेंड करें, किस प्रकार से इस वीक में आगे बढ़ें, कि कोई आपके लिए कुछ भी उल्टा सीधा ना कहे। और जैसे लास्ट वीक में आपने लाइफ को एंजॉय किया, वैसे ही आपको इस बार भी करने मिले। आपका फर्स्ट कार्ड निकल रहा है मैच्योरिटी। देखिए, आपको सबसे पहले ये संदेश आ गया है कि आपको समझदारी से काम लेना होगा। हो सकता है आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार बन रहे हों। बॉटम ऑफ द डेक है टोटैलिटी। तो ये कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आपको बड़प्पन दिखाना है, एक मैच्योर्ड पर्सन की तरह बिहेव करना है, आपको अपने वर्क प्लेस पर क्रिएटिव बनना पड़ेगा, आपको लोगों को एनकरेज करना पड़ेगा, आप अपने कामों को पूरी तरह सक्सेसफुली कर सकें। आपका फर्स्ट कार्ड ही निकला था, ये देखिए इस पे लक्ष्मी जी की फ़ोटो बनी हुई है, तो ये फर्स्ट कार्ड निकला था। ये शो कर रहा है कि इस वीक में कोई वूमेन, चाहे आपकी प्रेमिका हो, आपकी मदर हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, कोई भी वूमेन इस वीक में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि वो आपको इस प्रॉब्लम्स से बाहर निकालने वाली है। क्योंकि ये फेस्टिव टाइम है, फेस्टिवल है सामने, और खान पान का भी ऐसा रहेगा कि फेस्टिवल में जो होता चलता रहता है। इसके अलावा आपको टेंशन्स भी चल रहे हैं, किस तरीके से आप सिचुएशन को कंट्रोल में रखें, अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल में रखें, तो इन सब चीज़ों के चलते आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अपने पेरेंट्स के हेल्थ का
देखिए द मास्टर्स कार्ड इज टेलिंग यू आपको अपने पेरेंट्स के हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। आपसे जो बॉटम ऑफ द डेक ये जो कार्ड है टोटालिटी, ये कार्ड ये कह रहा है कि सही तरीका तो यही है कि आप सबको साथ में लेकर चलें। अकेले आगे बढ़ने पर सक्सेस थोड़ी देर तो मिलती है बट वो पीछे ही रह जाती है। सो यू शुड बिहेव मैच्योरली, एक बड़प्पन से एक समझदार व्यक्ति की तरह बिहेव करके सबको साथ में लेकर आगे बढ़ते हैं तो आपका ये वीक बहुत शानदार गुजरने वाला है और आगे आने वाला वीक भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स, बाय।